वक्त की बड़ी खबर के साथ, कश्मीर घाटी में पिछले 2-3 दिन से जो हालात बने हैं उसने भारत को पाकिस्तान से रिश्तों के बारे में सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है। और इसी का असर है कि ईद के मौके पर भारतीय जवान LOC पर पाकिस्तानी जवानों को मिठाई नहीं देंगे। देखिए, परंपरा ये रही है कि पाकिस्तान की ओर से दिवाली पर मिठाई आती है, ईद पर भारत की ओर से मिठाई दी जाती है। इस बार भी मिठाई देने का कार्यक्रम था, लेकिन औरंगजेब, भारत के जवान औरंगजेब की हत्या के बाद मिठाई देने के इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मतलब नीरज, ये संदेश साफ है कि दिखावा कब तक किया जाएगा? अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ईद मिलन की जो परंपरा भारत ने स्थापित की है उसको भी रोकना पड़ेगा। बिल्कुल नेहा, देखिए, ये जो जो आज मिठाई का प्रोग्राम था, मिठाई देनी थी पाकिस्तान के साथ LOC पर, वो इससे किया गया है क्योंकि आज सुबह पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया, और उस सीज फायर के उल्लंघन में भारतीय सेना का एक जवान नौशेरा सेक्टर में LOC पर शहीद हो गया है। और खास बात यह है कि मोर्टार से फायरिंग की, जबकि सीज फायर एग्रीमेंट दोनों देशों के DGMO मान चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर को अप्लाई करेंगे, उसके बावजूद भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके चलते एक सैनिक जिनका नाम विकास गुरुंग है वो शहीद हो गए, जबकि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त लगा रहे थे अपनी सीमा में 700 मीटर अंदर LOC पर, जिसके चलते मोर्टार से फायरिंग हुई पेट्रोलिंग पार्टियों पर जिसमें वो शहीद हुए। इसीलिए भारतीय सेना की सोल्वी कोर ने साफ कर दिया है कि आज कोई भी एक्सचेंज ऑफ ट्वीट नहीं होगा LOC पर पाकिस्तान के साथ। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत की तरफ से कड़ा संदेश पाकिस्तान को। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।